खबर 365 न्यूज, आपकी खबर आप तक 365 दिन आपके साथ। किसको प्रखंड क्षेत्र के दसरा टोली गांव में शहीद इंडियन आर्मी वीरेंद्र उरांव फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में जिला परिषद सदस्य संदीप कुमार गुप्ता ने शिरकत की। लोहरदगा जिले के किसको प्रखंड क्षेत्र के बेठट पंचायत के ग्राम दसरा टोली गांव के मैदान में लगातार 3 दिवसीय शहीद इंडियन आर्मी वीरेंद्र उरांव फुटबॉल टूर्नामेंट का सर्वप्रथम आयोजन किया गया। इस टूर्नामेंट में कुल 32 टीमों के खिलाड़ियों ने भाग लिया था, जिसका फाइनल मुकाबला रेड जोन और GTAPC लोहरदगा के बीच मैच खेला गया, जिसमें मैदानी जंग में बराबरी होने पर प्लांटी शूटआउट का सहारा लिया गया, जिसमें रेड जोन के खिलाड़ियों ने 1-0 से प्रथम विजय प्राप्त किया। इधर फाइनल मैच में मुख्य अतिथि के रूप में जिला परिषद सदस्य संदीप कुमार गुप्ता उपस्थित होकर सभी खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करते हुए विजेता एवं उपविजेता खिलाड़ियों को नगद राशि व पुरस्कार देकर सम्मानित किया। मौके पर मुख्य अतिथि जिला परिषद सदस्य संदीप कुमार गुप्ता ने कहा कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के खिलाड़ियों में प्रतिभा की कमी नहीं है, सिर्फ खिलाड़ियों को आगे और मेहनत करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मेहनत से कामयाबी मिलती है और खेल को खेल भावना से खेलने के लिए सभी खिलाड़ियों को सलाह दी। जिसके बाद मुख्य अतिथि ने कहा कि किसको प्रखंड क्षेत्र में सड़क, बिजली, पानी जैसी विभिन्न प्रकार के मूलभूत सुविधाओं का निराकरण करने का काम किया जाएगा। इधर फुटबॉल मैदान में विभिन्न प्रकार के डांस प्रतियोगिता का आयोजन करके खिलाड़ी व दर्शकों को मनोरंजन करने का काम किया गया। मौके पर मुख्य अतिथि जिला परिषद सदस्य संदीप कुमार गुप्ता, बेठट पंचायत के मुखिया राज किशन उराव, खरकी पंचायत के मुखिया चांदमणि उराइन, बेठट पंचायत समिति राजमुनि कुमारी शहीद वीरेंद्र उराव के धर्मपत्नी रेखा देवी, खरकी पंचायत समिति मुसरत नाज अबू सम्मा परवेज के साथ बड़ी संख्या में खिलाड़ीगण और दर्शक मौजूद थे। खबर 365 न्यूज के लिए लोहरदगा किसको से सद्दाम खान की रिपोर्ट। और आप लोगों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग हमको यहाँ आने का एक बार पुनः मौका दिया है। मैं अभी जिस रास्ते से आ रहा था, मैंने महसूस किया कि रास्ता और जो भी यहाँ की समस्याएं हैं, उन समस्याओं के लिए ही मैं यहाँ आया हूँ। इन सारी समस्याओं का निराकरण करने के लिए ही मैं यहाँ आया हूँ। आप लोगों ने मेरे को चुना, आप लोगों ने हम पे विश्वास किया, इसके लिए एक बार पुनः धन्यवाद। और मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो भी बुनियादी सुविधाएं आपको मुहैया कराना होगा, मैं करवाऊंगा। मैं आज वादा करके जाता हूँ, आप लोगों ने मेरे को 5 साल दिया है, ये 5 साल में मेरा प्रयास होगा कि पानी, बिजली, सड़क, एजुकेशन, हेल्थ, इस सभी बुनियादी समस्याओं का निराकरण करूँ। मैं चाहता हूं कि आप लोग भी मेरे कंधे से कंधा मिलाकर हमें सहयोग कीजिए। और एक बार पुनः मैं एक बार बोलना चाहूंगा कि आपके जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको पढ़ाई में अग्रसित कीजिए, क्योंकि शिक्षा होगी तो गांव का विकास होगा, और गांव का विकास होगा तो हम तरक्की करेंगे। मैं चाहता हूं कि हर घर से नौकरी हो, हर घर से एक शिक्षित व्यक्ति आगे बढ़े। आपका अधिकार आपके साथ है और मैं उस अधिकार में एक चिंगारी बन के आया हूं और मैं उसको दिलवा के रहूंगा। मैं सभी बैठे हुए गण्यमान्य व्यक्तियों से बोलना चाहूंगा कि आप जो फाइनलिस्ट हुए, जो विनर हैं और रनर अप हैं, आप दोनों टीमों को मेरे तरफ से तहे दिल से धन्यवाद और जोहार। आप लोग इस विकट परिस्थिति में भी, इस मैदान में कीचड़ था उसके बावजूद भी आप लोगों ने खेल का प्रदर्शन किया, इसके लिए आपको बहुत 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 धन्यवाद।